शिक्षा बिल को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। ये बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है, अब केवल राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी है। इस बिल के कानून बन जाने से देश के 82 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज मिलेगा। भोजन की गारंटी योजना को यूपीए सरकार का गेम चेंजर माना जा रहा है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। योजना के तहत गरीबों को 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल, 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और 1 रुपए प्रति किलो की दर से मोटा अनाज मिलेगा। उधर राज्यसभा में फूड बिल पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष अरुण जेटली ने सरकार पर हमला बोला। जेटली ने कहा कि सरकार ने फूड बिल पर अध्यादेश लाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि जब कई राज्य पहले ही ऐसी योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो अध्यादेश की आवश्यकता ही क्या पड़ी, संसद सत्र का इंतजार क्यों नहीं किया गया। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि संसद ने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल अब रियलिटी बन चुका है और ये सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कहा कि गरीबों के लिए सरकार एक अच्छी नीयत से बिल लेकर आई थी। कानून बनने के बाद देश के 82 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। फूड बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने बिल का तो समर्थन किया लेकिन साथ ही कहा कि सरकार ने चुनाव को देखते हुए हड़बड़ी में ये बिल लाया है।